अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 ई कॉमर्स में परिचय, और उसका पार्ट 5 है ये। गुण भर 7 मार्क्स का इस चैप्टर का, बोर्ड के एग्जाम में 7 MCQ आपकी इस चैप्टर में से आने वाले हैं। अब पार्ट 5 है, पार्ट 4 तक हमने देख लिए ई कॉमर्स के एप्लीकेशन, जहाँ जहाँ पे ई कॉमर्स यूज़ होता है वो। उसके बाद परंपरागत व्यवसाय यानी कि जो ऑफलाइन बिजनेस था अभी तक वो, और ऑनलाइन बिजनेस का डिफरेंस, दोनों का कंपेयर किए थे दोनों को। उसके बाद इंडिया में ई कॉमर्स किस पोजीशन पे और कहाँ तक जाने की उम्मीद है वो भी देखे थे। उसके बाद ई कॉमर्स के जो फायदे हैं और जो नुकसान है उसके, यानी कि लिमिटेशन और बेनिफिट, ये दोनों चीज़ें भी हमने देख ली। अब आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो ई कॉमर्स के व्यावसायिक प्रकृतियों यानी कि ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल। अब ई कॉमर्स जो है इसमें बहुत सारे लोग इससे कनेक्टेड है। अब उसको डिवाइड करना जाएंगे हम लोग तो वो जो है मेन 3 कैटेगरी में डिवाइड होंगे। नंबर एक होगा कस्टमर, यानी कि जो ई कॉमर्स के जरिए अपने माल, अपने जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको परचेज करेगा। नंबर टू होगा सप्लायर, यानी कि जो जिसका बिजनेस है, जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है वो सप्लायर, ठीक है। और उसके बाद एक आएगा गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं ई कॉमर्स में हमारे साथ, यानी कस्टमर और बिजनेसमैन, यानी कि जो ओनर है शॉप के वो, और जो कस्टमर जो सर्विसेज का यूज़ करेंगे वो, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। तो अब जो प्रकृति के जो मॉडल्स है हमारे, उसको टोटल 7 मॉडल है हमारे। तो ई कॉमर्स की चौथी वधु प्रचलित प्रकृतियों ने यादी, यानी कि प्रकृति के मॉडल जो है उसकी लिस्ट दी है यहाँ पे। उसमें सबसे पहला है व्यवसायी थी ग्राहक, यानी कि जो बिजनेसमैन है उसको बोलेंगे व्यवसायी, ठीक है। यानी कि बिजनेस से कस्टमर, कस्टमर मतलब कंज्यूमर या ग्राहक जो कहना है वो। सबसे पहला मॉडल B2C यानी कि बिजनेस से कस्टमर, ये दोनों कैसे लिंक होंगे वो देखेंगे। उसके बाद व्यवसायी थी व्यवसायी, यानी कि बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कैसे कनेक्ट होगा वो, B2B। उसके बाद एक ग्राहक थी ग्राहक, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। नंबर 4 पे ग्राहक थी व्यवसायी, कंज्यूमर टू बिजनेस, C2B। नंबर 5 पे सरकार से व्यवसाय, यानी गवर्नमेंट बिजनेस से कैसे कनेक्ट होगा, कैसे यूज करेंगे एक दूसरे का, तो G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस। उसके बाद सरकार थी नागरिक, अब यहाँ C4 सिटीजन होगा, कंज्यूमर नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ कौन इन्वॉल्व होगा, कस्टमर नहीं होगा, गवर्नमेंट के साथ सिटीजन यानी कि जो देश के नागरिक है, जो देश में रहते हैं वो उनसे इन्वॉल्व होंगे, तो गवर्नमेंट से क्या होगा, सिटीजन, G2C। उसके बाद सरकार थी सरकार, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G। वन बाय वन सबको देखेंगे। सबसे पहले व्यवसायी थी ग्राहक, जैसे नाम से कनेक्ट हो, जैसे नाम से हमको समझ में आ रहा है कि व्यवसायी थी ग्राहक, यानी कि कस्टमर बिजनेस से कैसे इंटरेक्ट करेगा। तो आप मॉडल में देख सकते हो यहाँ पे कि B2C का जो मॉडल है उसमें क्या है, उत्पादन और सेवा जो है वो कहाँ से कहाँ पे जाएगी। तो यानी कि व्यवसायी जो होगा, व्यवसायी को यानी कि बिजनेसमैन जो होगा या संस्था यानी कि कंपनी जो होगी वो क्या करेगी, अपनी जो प्रोडक्ट है वो या अपनी सर्विस है वो किसको देंगे, तो कस्टमर यानी कि ग्राहक को देंगे। आप देख सकते हो कि व्यवसायी को कि संस्थाओं द्वारा उत्पादन और सेवाओं कहाँ पे जाएगी, तो वो जाएगी ग्राहक यानी कि कस्टमर तक। इंटरनेट वाले वेबसाइट ने उपयोगी वेबसाइट ना उपयोग थी व्यवसायी को, एटले कि बिजनेसमैन के संस्थाओं, एटले कि कंपनियों, ग्राहकों ने तेमना उत्पादनों के सेवाओं वेचाण कर्यु छे। क्या लिखा है यहाँ पे, तो जो भी बिजनेसेस होंगे या कंपनी होगी वो क्या करेगी, अपनी जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसका सेल कैसे करेंगे, तो वेबसाइट के जरिए। ग्राहक कोई पण स्थले अने समये उत्पादन खरीदी शके छे, उत्पादन में वेचाण मध्यस्थी विना थाय छे। क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ बीच में कोई नहीं होगा, बिजनेस है ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन शॉप है वो, और जो कस्टमर है उन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई नहीं आएगा। कस्टमर क्या करेगा, सीधा कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करेगा। तेमा खरीदनार, खरीददार एटले कि कस्टमर जो होय ए स्वतंत्र व्यक्ति छे, यानी कि उसको वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है वो, उसके बीच में कस्टमर और बिजनेस के बीच में कुछ भी नहीं है। तो सीधा क्या होगा, कस्टमर बिजनेस से कनेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट पर आ प्रकृति सौथी वधु जोवा मळे छे। क्या लिखा है, सबसे ज्यादा अगर देखने में आती है ई कॉमर्स के कोई मॉडल तो वो कौन सा है, तो B2C। एग्जाम्पल देख सकते हो आप Amazon.com, तो वो क्या है, एक B2C का मॉडल है वो भी। Rediff.com, इसके बाद है फैब आर्ट, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी, मिंत्रा है या स्नैपडील है, गोआईबीबो है, तो वो सब चीज़ें क्या है, B2C के मॉडल पे काम करती है, यानी कि बिजनेस से कस्टमर को कनेक्ट करेंगे। कस्टमर क्या होगा, सीधा बिजनेस से कनेक्ट होगा, इसमें बीच में कोई तीसरा पर्सन नहीं आएगा। आप देख सकते हो एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट का दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे, उसका जो होम पेज है उसमें क्या होगा, अलग अलग शॉप्स है जो फ्लिपकार्ट के ऊपर रजिस्टर है, सीधा कस्टमर क्या करेगा, उस शॉप से कनेक्ट हो जाएगा, इसके बीच में कोई नहीं आएगा यहाँ पे।
अब दूसरा मॉडल है व्यवसायी से व्यवसायी, यानी कि बिजनेस से बिजनेस, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में कैसे कनेक्ट होंगे। आप मॉडल देख सकते हो, सॉरी B2B आया है, B2C हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो खरीदना और बेचना, यानी कि जो माल खरीदने वाला है वो और जो माल बेचने वाला है वो दोनों क्या होंगे, यहाँ पे बिजनेस ही होंगे। यहाँ पे कस्टमर कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे दोनों पर्सन कौन से, तो बिजनेस होगी या तो कोई कंपनी होगी। ठीक है, जुदा जुदा व्यवसायियों एटले के बिजनेसमैनों वच्चे थती ई कॉमर्स ने प्रवृत्तिओ वेचनार अने खरीदनार बने व्यवसायी होय छे। क्या लिखा है इसमें, इसमें दोनों पर्सन यानी कि जो खरीदने वाला है वो और जो बेचने वाला है वो दोनों क्या होंगे यहाँ पे, तो दोनों बिजनेसमैन है। पूर्वठाकार एटले के सप्लायर, वितरक एटले के डिस्ट्रीब्यूटर के अन्य मध्यस्थी वच्चे ई संबंधी स्थापना करे थे। क्या लिखा है यहाँ पे, दो बिजनेस को कनेक्ट करेगा तो कौन कनेक्ट करेगा, तो पूर्वठाकार यानी कि सप्लायर होगा वो, या तो डिस्ट्रीब्यूटर होगा कि अन्य मध्यस्थ यानी कोई और पर्सन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे कि commodity.com या tradeindia.com या indiamart.com, ये सारे क्या है, ये इसी मॉडल पर काम करते हैं कि B2B, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के ऊपर, कि जो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को कनेक्ट करेंगे। अब तीसरा जो मॉडल है हमारा वो है ग्राहक की ग्राहक, यानी कि कस्टमर टू कस्टमर। अब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से कैसे परचेस करेगा या सेलिंग करेगा, तो वो इसमें देखेंगे हम लोग। आप देख सकते हो C2C में। अब इसमें क्या होगा कि जो खरीदनार है और जो बेचनार है, यानी कि जो माल खरीदने वाला है वो और जो माल बेचने वाला है वो दोनों क्या है, यहाँ पे कस्टमर ही है दोनों। यहाँ पे बिजनेस कोई इन्वॉल्व नहीं है। अब ये खरीदने और बेचने वाला है क्या, तो कैसे एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आएंगे, या तो ऑनलाइन हराजी यानी कि ऑक्शन के जरिए कॉन्टेक्ट में आएंगे, या तो फिर एडवर्टाइजमेंट जो अगर की है कोई बेचने वाले ने और खरीदने वाले ने उस एडवर्टाइज को देखा है, तो उसके जरिए क्या होगा, दोनों का कॉन्टेक्ट होगा। ग्राहकों वच्चे थती ई कॉमर्स की प्रवृत्ति, इसमें क्या होगा, इसमें जो भी ई कॉमर्स की प्रवृत्ति है यानी कि जो भी काम होगा वो कस्टमर्स के बीच में होगा। यहाँ पे बिजनेस भी इन्वॉल्व नहीं है कोई, और कोई भी गवर्नमेंट भी कोई इन्वॉल्व नहीं है। दोनों दोनों पर्सन कौन है, यहाँ पे खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों दोनों ही कस्टमर है। राहित पक्ष की सोंडवणी वगर हराजी के जाहिरात वाले सौदानी सुविधा इंटरनेट नो उपयोग करता वेचनार के खरीदनार बनी शके छे। क्या होगा, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे, दोनों कस्टमर या तो हराजी यानी कि ऑप्शन के जरिए कनेक्ट होंगे, या तो फिर कोई एडवर्टाइजमेंट की है किसी ने उसके जरिए क्या होगा, दोनों कनेक्ट होंगे। तो अब C2C प्रकृति का उत्तम उदाहरण देखें हम लोग, तो हराजी माटे की वेबसाइट, हराजी की जो भी वेबसाइट होती है हमारी, तो उसमें क्या होता है, दोनों दोनों कस्टमर ही है उसमें, उसमें कोई बिजनेस बिजनेसमैन या गवर्नमेंट कोई इन्वॉल्व नहीं है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर के ebay.com, तो ये क्या हराजी के लिए, आगे आगे भी हमने देख लिया था इसको ऑनलाइन ऑक्शन में। उसके बाद olx.com, olx का बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर आपको कोई अपनी चीज़ सेल करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपका फ़ोन है आपको सेल करना है olx से, तो आप बेचने वाले भी क्या वहाँ पे कस्टमर ही होएगा। आप कोई बिजनेसमैन नहीं हो, आपका कोई बिजनेस नहीं है इसे बेचने का, पर आपका क्या है यहाँ पे एज अ कस्टमर आप सेलिंग कर रहे हो, और जो खरीदने वाला होगा वो भी क्या होगा, एक कस्टमर ही होगा वहाँ पे। तो वो सब क्या है, quickl.com, ये सब C2C मॉडल के ऊपर काम करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे olx का आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, जिसमें क्या है यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन के जरिए या इस वेबसाइट के जरिए आप C2C यानी कि इस मॉडल के जरिए आप किसी और कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हो अपना माल परचेज करने के लिए, अपना माल को सेलिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अटकेंगे अभी, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। जो चार अभी मॉडल बाकी है हमारे, ग्राहक की व्यवस्था और सरकार की व्यवस्था है, सरकार थी नागरिक यानी सरकार थी सरकार, G2G छिल्ला आएगा हमारा, और उसके बाद रिवीजन करेंगे चैप्टर का। पर ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देने, जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।